आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप कैसे आपके जीमेल के अकाउंट के जो पासवर्ड है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, और अगर आपका जीमेल का जो अकाउंट है उसका पासवर्ड आप भूल गए हैं तो आप कैसे एक नए पासवर्ड जेनरेट करके उस जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। ये सारे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ दिखाने वाला हूँ, तो जो है आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो मेरा नाम है मिथुन, आप देख रहे हैं डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीमेल का पासवर्ड आपको चेंज करना है या फिर जीमेल का पासवर्ड आपने भूल गया है तो एक नया पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको जीमेल का जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपको राइट साइड ऊपर कॉर्नर में जो एक प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा, अगर आपका कोई भी जीमेल का अकाउंट लॉगिन है आपके डिवाइस में तो आपको कोई भी प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी जीमेल का आईडी है वो आपको दिख जाएगा, लेकिन आप अगर कोई नया अकाउंट है उसका पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आपको इधर नहीं दिखेगा। तो इधर आपको पहले उस अकाउंट को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आईडी है हमारा जीमेल का आईडी है, और जीमेल के जो आईडी होते हैं गूगल का ही प्रोडक्ट होता है, तो इसके लिए हमें गूगल के ऑप्शन जो दिख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर जो है google.com में साइन इन करने के लिए कंटिन्यू कर देना है आपको। उसके बाद इधर आपको जो भी जीमेल अकाउंट का पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं या फिर पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं उस अकाउंट का जो आईडी है वो आपको इधर एंटर करना होगा। तो चलिए मैं अपना ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इधर अगर आपका पासवर्ड याद है तो आप इधर डाल के जो है नेक्स्ट करके साइन इन करके जो है बाद में उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका पासवर्ड आप भूल गए हैं सिर्फ आपको ईमेल का आईडी याद है ईमेल आईडी, तो जो है आप कैसे एक नया पासवर्ड बना सकते हैं वो मैं आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड का जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इधर आपको पूछा जा रहा है कि एंटर द लास्ट पासवर्ड दैट यू रिमेंबर यूजिंग विद दिस गूगल अकाउंट। तो इधर आपको पूछ रहा है कि आपका जो पासवर्ड इस अकाउंट के लास्ट जो यूज किया तो ओके आपको याद है, लेकिन अगर हमको याद रहता था तो हम खुद उस पासवर्ड से लॉगिन कर लेता था, तो ये बात का कोई वैल्यू नहीं है गूगल का तरफ से। लेकिन अगर हम नए तरीके से कैसे एक पासवर्ड बना सकते हैं तो उसके लिए आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो ट्राई अनदर के एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हमें कोई और ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि इधर दिख रहा हो कि अकाउंट रिक्वायरी दिस हेल्प्स टू शो दैट दिस अकाउंट रियली बिलोंग्स टू यू। उसके नीचे आपका ईमेल आईडी दिखेगा, उसके नीचे दिखा है गेट ए वेरिफिकेशन कोड, गूगल विल सेंड ए वेरिफिकेशन कोड। तो आपका अगर मोबाइल नंबर लिंक है आपके जीमेल आईडी के साथ तो उधर आपका नंबर के लास्ट 2 डिजिट दिखेगा, और उसके बाद जो है हमारा जो ये नंबर सही है तो इसके लिए मैंने इस मोबाइल में ही एक कोड प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके लिए हमें सेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक मतलब वेरिफिकेशन कोड आ गया है, तो उसको आपको इधर डालना है। कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इधर पूछ रहा है कि वो नीड सम टाइम टू रिव्यू योर रिक्वेस्ट, मतलब आपको ये रिक्वेस्ट लेने के लिए वो आपका अकाउंट को रिव्यू करना चाहता है। इसके लिए आपको इंटर एंड ईमेल एड्रेस फाइल वी कैन कॉन्टेक्ट यू लेटर, यानी कि आपको एक ऐसा ईमेल आईडी डालना है, आपका भी डाल सकते हैं, आप आपके फ्रेंड के सब उसका भी डाल सकते हैं, वो आपको इधर डालना पड़ेगा। इसमें डालने के लिए क्यों कहा जा रहा है कि अगर ये अकाउंट रिकवरी नहीं होते तो उस अकाउंट से जो है आपको वेरिफिकेशन का जो भी प्रोसेस है तो किस तरह से आपके अकाउंट को रिकवरी किया जाएगा उसके बारे में आपको बता सकते हैं। इसके लिए इस अकाउंट मतलब नया एक जीमेल अकाउंट मांग रहे हैं, तो चलिए मैं अपना ही एक जीमेल का अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप बता रहे हैं कि जो मैंने ईमेल आईडी डाला है अभी उस जीमेल में एक वेरिफिकेशन कोड भेजा है, तो उसका जो कोड है वो आपको इधर एंटर कोड में डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना कोड ढूंढ लेता हूँ कि कौन सा इसमें आया है। तो देखिए इधर एक मेल ऑप्शन आया है, उसके बाद आप देखेंगे कि एक मेल ही जो है ये आया है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो
उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो है क्रिएट पासवर्ड का एक ऑप्शन आ गया है। तो जो है इधर आप आपके अकाउंट के लिए एक नया पासवर्ड सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक पासवर्ड सेट करता हूँ। उसके बाद आपको सेव पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो इधर बता रहे कि ट्राई अगेन विद द पासवर्ड दैट यू हैव नॉट यूज बिफोर, यानी कि अगर आपने इस तरह का पासवर्ड पहले यूज किया है आप किसी गूगल अकाउंट के लिए तो आप वो नहीं रख सकते, आपको कुछ डिफरेंस पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं एक पासवर्ड वाला दूसरा सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको सेव पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो जीमेल का आईडी है, ये देखिए ये जो मेरा आईडी है mithun.seninfo@gmail.com ये ना लॉग इन हो गया है और इसमें एक पासवर्ड मतलब मेल भी आ गया, अकाउंट रिकवरी सक्सेसफुली। तो अगर आपका जीमेल के अकाउंट का पासवर्ड आप भूल गए थे तो आप आसानी से एक नए पासवर्ड आप जनरेट करके आपका जीमेल के अकाउंट को वापस ला सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर आपका पासवर्ड ऑलरेडी है और आपका जीमेल आईडी भी है, दोनों आपका याद है, लेकिन आपका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आप कैसे चेंज कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो जीमेल का आईडी है ये ऑलरेडी इधर है, उसके बाद आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो पासवर्ड का ऑप्शन है दिख रहा है मेल के नीचे, एक जेंडर के नीचे एक पासवर्ड का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इधर आपको दिख रहा होगा जो पहले का आपका पासवर्ड है वो आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इधर जो है आप एक नया पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक नया पासवर्ड सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। ये देखिए बता रहे कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, वी कीप योर अकाउंट प्रोटेक्टेड, टेक ए मिनट टू रिव्यू इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग इन द सिक्योरिटी चेकअप। तो ये मैं खुद ही लॉगिन किया, खुद ही पासवर्ड चेंज किया, तो मुझे सिक्योरिटी चेकअप का भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए मैं क्लोज करता हूँ। तो जो है आप आसानी से इस तरह से आपका एक नया पासवर्ड बना सकते हैं अगर आपका जीमेल के अकाउंट का पासवर्ड आप भूल गए होंगे, और अगर आपका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं वो भी आप आसानी से इस मेथड्स माध्यम से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आएगा, और इस वीडियो से जुड़े आपके कोई सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और आने वाले समय में इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।